हमारे या को हमारे कस्टडी में आपको रहना पड़ेगा, हमारे बंधन में आपको रहना पड़ेगा, या इनमें से किसी एक गोपी को वहां पर रहना पड़ेगा, बाद बाकी गोपियों को हम छोड़ने के लिए भी तैयार है। ये सारी भूमिकाएं बदल रही है। श्री राधा रानी को रोका कैसे जाए? लक्ष्य जो है वो सबका यही है कि श्री प्रिया लाल का मिलन, वहां पर जितनी भी सखी है उनका भी लक्ष्य यही। श्री ललता जी हंसती हुई कह रही है कि ओहो जाने क्या क्या भीतर मनी मन में यहां लड्डू फूट रहे हैं, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, सब कल्पना कल्पना कर लो, तुम सोच रहे हो वो होने वाला नहीं है। एतत् खलु मनोहर मात्रेण द्राक्षा भक्षणम्, ये बस मन के लड्डू खाना है, यहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल मनोरथ मात्र में द्राक्षा माने सुंदर द्राक्षा उसका भक्षण किया जा रहा है, मनोरथ में ये मिठाई खाना है। अलक्षस्य लोलुप कीरी नूनः, जो तोता दूर बैठा है किसी अनार के वृक्ष के ऊपर और वो उस अंगूर के वृक्ष के ऊपर, द्राक्षा के वृक्ष के ऊपर कोई तोता बैठा है और वो वहां पर पहुंच नहीं सकता है, पर फिर भी वह मन ही मन में लड्डू खा रहा है, द्राक्षा भक्षण कर रहा है। तो लोलुप कीर यूनः, लोभी कीर माने तोता, जैसे दूर बैठा हुआ किसी अंगूर के द्राक्षा के रस को खाने का मन से कल्पना करे, ऐसे मन से भले कल्पना करते रहो यहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं कि श्रिया नापी तारतम्यपतिषु अपि एतासु ललता जीवात्मेव राजीव लोचनेयं मह्यम अभिरुचते। जब नानी मुखी ने यह कहा कि इन पांच गोपियों में किसी एक गोपी को रोक लो, उनके कहने का भाव जो निकल रहा था, कहा तो नहीं परंतु भाव यही निकल रहा था कि इनमें एक एक गोपी 84 लाख योनियों में जितनी भी सुंदरियां उन सौ में सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात किसी एक को रोक लो, बस इसी बात संकेत को, इसी तात्पर्यार्थ को, अब ये एक कहानी लिया है इसको हम तात्पर्यार्थ कहेंगे, इस तात्पर्यार्थ को, तात्पर्यार्थ का मतलब है कि बाकी का जो अर्थ निकल रहा है उसका भी अर्थ जहां तक निकल सकता है। काके दधे रक्षताम, इसमें केवल कोए से दही की रक्षा नहीं करना है, कोआ शब्द का अर्थ जितने भी, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, अन्य चोर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सबसे दही की रक्षा करनी है, तो यह तात्पर्य अर्थ होगा। इसी प्रकार यहां पर जो वचन है वो तात्पर्य अर्थ उसका यह है कि इन गोपियों में सबसे कोई भी जो गोपी है उन कोई एक गोपी को तुम यहां रोक लो, और रोकने का क्या अर्थ है, वो मतलब है कि वही तुम्हारी प्रेम सेविका होकर के विराजमान होगी, उसके प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए और उसकी प्रेम सेवा करते हुए तुम विराजमान होंगे, श्याम सुंदर उसी नायिका की प्रेम सेवा करते हुए विराजमान होंगे, वो नायिका उनकी प्रेम सेवा करते हुए विराजमान होंगी। इस बात को, इस तात्पर्य अर्थ को सुनकर के माने वाक्यार्थ हो गया, वाक्य के बाद में प्रकरण का अर्थ हो गया, प्रकरण के अर्थ के बाद में फिर तात्पर्य अर्थ जो है वो तात्पर्य अर्थ हुआ। तात्पर्य अर्थ को इस तरह से समझा जा सकता है, दीर्घ दीर्घ तरण न्याय, जैसे एक धनुष चलाने वाले ने बाण छोड़ा, अब वो बाण सबसे पहले शत्रु के कवच जो पहन रखा है उसको भेदेगा, फिर कवच को भेजने के बाद में उसने भीतर जो कुर्ता पहन रखा है कंचुक, उस कंचुक को भेजेगा, फिर कंचुक को भेजने के बाद में उसके खाल को भेजेगा, बालों को भेजेगा, खाल को भेजेगा, फिर मांस को भेजेगा, फिर उसके भीतर धमनियों को भेजेगा, रक्त को भेजेगा, अस्थियों को भेजेगा,
मज्जा को भेजेगा, वीर्य को भेजेगा, फिर प्राणों का हरण कर देगा। तो दीर्घ दीर्घ तरण न्याय हुआ, इसका इसका नाम है दीर्घ दीर्घ तरण न्याय। बाण एक छोड़ा गया परंतु वो क्रमशः आगे बढ़ता होगा चला जाएगा। ऐसे ही कोई एक वाक्य कहा गया और वो वाक्य अंत तक जहां तक जाता है वहां तक वह तात्पर्यार्थ कहलाएगा। और श्री श्याम सुंदर ने तात्पर्यार्थ प्रकट किया और तात्पर्यार्थ निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि माना इन गोपियों में कोई तरतम्बाली नहीं है, सभी एक से एक बढ़ करके हैं, सभी परमोत्तम हैं, परंतु फिर भी अब रुचि की बात आ गई, फिर भी जीवा को ललता जीवा को एव राजी लोचने हम मैयम रोचते, मैं तो इनमें जीवाद्भूत प्राणभूत श्री ललता उनको ही सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर अब श्री ललता जी को रोकने के लिए जैसे प्रवृत्त हुए, अब ललता जी को कोई रोक सके क्या? वृंदावन बिहारी लाल की, ललता जी के साथ में जो वार्तालाप होगा, परिहास होगा, ललता जी के साथ में जैसे श्याम सुंदर वार्तालाप करेंगे, उस वार्तालाप में आगे बढ़कर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद शुभताय गौर हरि गो जय जय श्री राधेश्वर।